डेवू की मतीज कल मिस्र के लिए रवाना हो गई। जी हाँ, डेवू मोटर्स इंडिया ने अपनी गाड़ियों के निर्यात की महत्वाकांक्षी योजना को कल अमली जामा पहना दिया। मिस्र के लिए 300 कारों का पहला बैच कल रवाना कर दिया गया। डेवू ने मार्च 2000 तक 4000 गाड़ियों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके बाद मार्च 2001 तक 12000 कारों का निर्यात किया जाएगा। मार्च 2002 तक के लिए यह लक्ष्य 24000 कारों का है। डेवू ने यूरोपीय और मध्य पूर्व के देशों में निर्यात को प्रमुखता देने का फैसला किया है, क्योंकि इन देशों में डेवू की गाड़ियों की अच्छी मांग है। डेवू की जितनी गाड़ियां हैं बड़ी मार्केट्स में और बड़े बड़े बाज़ारों में काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं, उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो जहां तक हम हैं वो डेवू की ग्लोबल डिमांड, डेवू की जो विदेशी डिमांड है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा आप समझ रहे हैं कि डेवू की जो गाड़ियां हैं जैसे माटीज है, यूरोप इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अवस्थी कहते हैं इन गाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी गुणवत्ता और सुरक्षा कारणों से काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मांग में सामंजस्य बनाने की चुनौती है। कोशिश की जा रही है कि कोरिया से सप्लाई हो या इंडिया से सप्लाई हो, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को मतलब पूरा महत्व न दें और हम खाली एक्सपोर्ट करें। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करें और उसके बाद हम एक्सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ शायद अक्टूबर के बाद हम करीब करीब डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सकेंगे और उसके बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। वैसे फिलहाल डेवू अपनी कोरिया स्थित निर्माण इकाई से ब्रिटेन, इटली, मिस्र और अन्य देशों को निर्यात कर रहा है। भारत से निर्यात का सिलसिला शुरू करने के साथ ही कंपनी ने निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। सुबह सवेरे मैं कुमार भवेश।